वैसे तुम पहले भी अलग अलग नामों से सुधार के कई कार्यक्रम करते रहे हैं, कभी सुशासन के नाम से, कभी एक और सुधार के नाम से बहुत कार्यक्रम ने किए हैं। जैसे पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन का काम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया हमने, और लगभग सवा महीने रजिस्ट्रेशन का काम बंद रहा और आज एक सुचारू ढंग से वो सब चल पड़ा है, तो जो गलत काम करने वाले थे उनके ऊपर एक चेक लगा है। ऐसे नए सुधार कई हमने प्रोक्योरमेंट के काम में भी किए, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट की बात की, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सिस्टम में एक बहुत सालों से अभ्यास गलत पड़ा हुआ था कि बाहर के प्रदेशों से सस्ती चीज़ें लाना और यहाँ महंगी चीज महंगे रेट पर बेचना, इस पर भी हमने काबू पाया है। चाहे बाजरे की बात है, चाहे धान की बात है, चाहे और फसलों की बात है, ताकि हरियाणा के किसान को लाभ मिले वो लाभ बाहर के लोग ना उठा करके ले जाए, खास करके अपने स्टेट के एक्सचेकर की कॉस्ट पर। उसी प्रकार का एक आज वो है ट्रांसपोर्ट विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की बात। पहले तो ये जो हमारा जो RTA जो सेक्टरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये जो था इसको एक एडिशनल काम करके दिया जाता था कभी DC को, कभी किसी और अधिकारी को, तो आगे से डिस्ट्रिक्ट का एक अलग ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर, एक्सक्लूसिव ऑफिसर ये इस काम को देखेगा। अभी एडिशनल चार्ज नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। समय के अभाव के कारण से या उसके अतिरिक्त काम होते हैं उसके कारण से, पूरा ध्यान ना देने के कारण से कुछ समस्याएं थी, तो अब वो अलग से होगा और उसका नाम भी बहुत प्रदेशों में इसका नाम RTA ना होकर के DTO है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। हम भी अपने जो आवश्यक प्रावधान है चेंजेस के वो करके और इसका नाम DTO हुआ करेगा RTA के बजाय, और एक्सक्लूसिव होगा, अन्य कोई काम नहीं होगा। RTA यानी DTO जो भी कुछ है, इसमें जो कार्यालय में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इवन RTA भी पहले HCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर आ करते थे, अब जरूरी नहीं कि HCS IAS ही हो, तो अच्छी रेपुटेशन के Class 1 के अधिकारी किसी भी विभाग से, IAS भी हो सकते हैं, HCS भी हो सकते हैं, अन्य किसी विभाग के Class 1 के अधिकारी भी उसमें हो सकते हैं, इवन कुछ IPS या HCPS भी इसमें हो सकते हैं, फॉरेस्ट से भी हम ला सकते हैं अच्छे ईमानदार अधिकारी। 22 लोगों की नियुक्ति, ये नियुक्ति आज सब हो जाएगी, इमीडिएटली आज से इस काम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिलों में ऐसे व्यक्ति जो बिचौलियों का काम करते थे ट्रांसपोर्टर्स और RTA ऑफिस के बीच में, ड्राइवर से मिले रहते थे, मालिकों से मिले रहते थे, ऑपरेटर्स से मिले रहते थे, तो जो बिचौलिए जिसको UCM के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में UCM, अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन, ये उसकी एब्रिविएशन है, तो ऐसी एक लिस्ट ये हमने बनवा ली है, और बनवा करके ये लिस्ट 2 दिन के अंदर अंदर ये जो नए ऑफिसर्स आएंगे उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि इनकी अप्रोच इस DTO के ऑफिस में ना बन पाए, और जहाँ भी संबंधित जगह पर इनकी लिस्ट भी लगानी पड़ेगी तो लिस्ट लगा लेंगे। ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं, लगभग अनुमानता ऐसी संख्या 250 के आसपास है पूरी स्टेट में बिचौलिए, यानी अगर ऑन एवरेज देखें तो हर जिले में 10 लोग हैं, तो ये सब धंधे करते हैं। बहुत लोगों के ऊपर इक्का दुक्का को केस भी बनता है, वो फिर जल्दी छूट जाता है, लेकिन उसको ओपन उजागर कर देंगे ताकि समाज में भी उनकी छवि ध्यान में आए, इसलिए इस काम को ढंग से करेंगे। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो ऐसे जो स्टाफ लोग कर्मचारी हैं वो लोग, और इसमें बिचौलिए और ट्रांसपोर्टर्स के मालिक और ड्राइवर्स,
कभी भी कोई मूवमेंट किसी अधिकारी की किसी सड़क पर होने लगती है तो वो जो ऑपरेटर है इस व्हाट्सएप ग्रुप का, वो कर्मचारियों के नज़दीक होता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलते ही सारे उस रूट पर ये जानकारी उनको मिल जाती है कि अब आरटीआई आ रहा है या ये अधिकारी आ रहा है, ये छापे लगाएगा या रोकेगा, ओवरलोड रोकेगा, ये करेगा वो करेगा, सब अलर्ट हो जाते हैं, गाड़ियों को साइड में लगा करके और साफ हो जाते हैं। तो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी डिस्करेज किया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ही एक मैसेज सबको दिया जाएगा कि आगे से ये चैप्टर बंद, अब जो भी इस प्रकार के काम को करेगा स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट। ये जो माल ढोने वाले वाहन है कमर्शियल वाहन, इनकी फिटनेस की जांच के लिए इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर, ये जो पहले तो मैनुअली सब करते थे एमवीआई सड़क किनारे बैठ करके, और एमवीआई जो है जिस प्रकार का धंधा करते थे, आज भी अभी प्रैक्टिस है, लेकिन उसको सबको बंद करने की हमने प्लानिंग बना ली है। रोहतक में एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सेंटर ये हमने बनाया है और 6 सेंटर इस प्रकार के लगभग 150 करोड़ रुपये लगा करके अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, इनमें भी स्थापित किए जाएंगे ताकि सभी गाड़ियों का फिटनेस चेकअप इलेक्ट्रॉनिकली हो सके। ऐसा नहीं कि गाड़ी आई, दिखाया और उसको बस एक सर्टिफिकेट दे दिया तो जाओ, जिसके कारण से एक ऐसा व्हीकल जो शायद अनफिट होता है तो भी उसको फिटनेस सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से पैसे देकर के मिल जाता है, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स ये बहुत होते हैं, जिसके कारण से वो वाहन जो है अपने आप में योग्य नहीं होता चलने के। ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए भी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ऐसे 11 जिलों में, कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, नू, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवर और यमुनानगर, ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ADTT ये बनाए जाए ताकि वहाँ जो ड्राइविंग का टेस्ट देगा वो ऑटोमेटिकली उसको क्या आता क्या नहीं आता ये ट्रैक हो जाएगा, और ट्रैक होने के बाद जो ठीक व्यक्ति है जिसको सारा टेस्ट पास जिसने किया है उसी को लाइसेंस मिलेगा। अदरवाइज ऐसे ही किसी को लाइसेंस पकड़ा दिया, लाइसेंस लेते ही जा करके वो सड़क पर जो एक्सीडेंट करने की वृत्ति है, वृत्ति तो क्या है वो हो ही जाता उसे, क्योंकि वो सीखा हुआ नहीं है, खाली वो लाइसेंस ले जाता है, तो उसकी टेस्टिंग जो है इसको और ज़रा मजबूत की जाएगी और इन सब सेंटर्स पर भी 30 करोड़ रुपये लागत आएगी। हालांकि इसमें समय थोड़ा लगेगा लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर सब सेंटर्स ये सब बन जाएंगे। ओवरलोड वाले जो वाहन हैं इनकी भी पहले तो जाकर के ये किसी भी कांटे पर, धर्म कांटे पर जाकर के वाहन कराते हैं, उतना टोल कराते हैं, पर्ची लाते हैं, उसमें से किसी ने कराया किसी ने नहीं कराया। अब इसमें एक नया प्रावधान जोड़ रहे हैं कि पोर्टेबल स्केल ऐसा होगा सड़क पर कहीं भी रख दिया जाएगा, वाहन आएगा उसको पता ही नहीं होगा, आएगा चलेगा उसके ऊपर से निकलेगा तो उसका वेट कितना है वो पता लग जाएगा, तो एक ऑटोमेटिक पोर्टेबल स्केल ये अभी 45 खरीद लिए गए हैं और इन 45 को प्रयोग करने के बाद अगर ये सफलतापूर्वक काम करेंगे तो इसको बड़े स्केल के ऊपर खरीद करके हर सड़क पर, हर नाके पर, सड़क के ऊपर रखा जाता है, केवल उसकी ऊंचाई 1 इंच से भी कम होती है और वो टेपर होता है, वाहन को पता भी नहीं लगता है, वो अगले पहिए पिछले पहिए दोनों उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उसके जाते ही एक स्केल साइड में मीटर लगा होगा तो साइड में उसको पता लग जाएगा कि ये वाहन ओवरलोडेड है या नहीं है। ओवरलोडेड वाहन की आगे जानकारी दे दी जाएगी कि वाहन ओवरलोडेड है, जो अच्छा लेना ले, वाहन को ही नहीं पता लगेगा मेरा वेट कहाँ हो गया, वरना तो अगर कांटे पर जाता तो उसको पता ही है, वो अपना सिस्टम सेट करके जाता है, तो एक इस पर भी हम काम कर रहे हैं। माइंस का ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है और जो ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है अभी जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वाहन सॉफ्टवेयर है
उसके साथ इंटीग्रेशन नहीं है। जो ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है उसमें तो उसका वेट पता लग जाता है कि कितना वेट है। अब अगले दो महीने में ये ई रवन्ना सॉफ्टवेयर और वाहन सॉफ्टवेयर इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि माइंस से जब वो चीज़ ई रवन्ना सॉफ्टवेयर से उसका वेट करके चलेगी तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पता लग जाएगा कि वो जो वाहन आ रहा है ये इतना वेट लेकर के आ रहा है, इसलिए उसकी भी चेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी जब वो चलेगा वहीं से। अब चूंकि माइंस डिपार्टमेंट थोड़ा सख्ती कर दी है, हर एक माइंस में ई रवन्ना के बिना वहाँ से गाड़ी निकल नहीं सकती है और ई रवन्ना के हिसाब से उसका वेट का भी, हालांकि वहाँ तो केवल रेवेन्यू के कारण से उसको उसका उपयोग हो पा रहा है, ओवरवेट के कारण से भी नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके साथ यदि जुड़ जाएगा तो फिर ओवरवेट भी अगर है तो वो पकड़ा जाएगा। आरटीए की चेकिंग वाली जो टीम है वो टीम भी गड़बड़ ना करे तो अब कोई भी इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर निकलेगा तो उसकी बॉडी पर बॉडी कैमराज लगे होंगे और बॉडी कैमरा लगने के बाद वो उनकी आपस में बातचीत क्या हुई है, उसने क्या देखा है, क्या लिया क्या दिया, वो सारा उस बॉडी कैमरा में फिट हो जाएगा। उस बॉडी कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग ये डिपार्टमेंट उसको देख सकेगा सुन सकेगा, ताकि ये जो आता है कि भाई इंस्पेक्टर जो है वही गड़बड़ करने वाला है तो उसके ऊपर भी नज़र रखने के लिए टेक्नोलॉजी की ये सहायता की जाएगी। इसी प्रकार वाहनों की जो पार्किंग है, शहरों में पार्किंग की कई जगह पर बहुत बुरी हालत है, पार्किंग के स्थान नहीं बने हैं, ये जिम्मेवारी भी डीटीओ की ही होगी कि वो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जिनकी पहले जिम्मेवारियां हैं, चाहे यूएलबी की है चाहे एचएसबीपी की है, तो वो सारा उनके साथ करा के तालमेल बैठा के वो काम भी डीटीओ का होगा, क्योंकि भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ है कि पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो जाए। इसी प्रकार रोड साइड में लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, वो भी हफाजडली खड़ी न करें, अभी तक उसकी चेकिंग जो पुलिस के जिम्मे है अब उसकी जिम्मेवारी भी डीटीओ की होगी, तो ये विषय भी उनको दिया गया है। हर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, अभी तक ये काम HSVP या अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से ही होता है, काम बहुत स्लो हो जाता है, योजना बनती है 5-5 साल 10 साल लगता रहता है, वो काम भी डीटीओ को दिया जाएगा ताकि हर एक शहर में जहाँ कंजेशन ज़्यादा है या जो ये ट्रांसपोर्ट नगर खासकर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके सबके केंद्र वहीं बने, वहीं से लोड करें अपलोड करें, शहर अंदर से भी कंजेस्ट हो जाए। विषय बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, ये लाइन बहुत बड़ी है, जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है कि कमर्शियल वाहन की संख्या हरियाणा में लगभग 1.25 लाख है, तो 1.25 लाख वाहनों का रोडवेज अलग है इसमें, या प्राइवेट व्हीकल जो पैसेंजर व्हीकल प्राइवेट वाले का नहीं, कारें वारें वो सब अलग हैं, लेकिन केवल कमर्शियल व्हीकल हैं प्राइवेट, इन सबको ही संभालने के लिए इस डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेवारी होती है, तो इनकी समस्याएं भी बहुत आती हैं, डे टू डे की समस्याएं हैं या लंबी भी होती हैं, इन सबको डिपार्टमेंट से संपर्क करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड लाइन, वो भी आज डिपार्टमेंट ने तय किया, बहुत जल्दी कोई नंबर उसका देंगे एक लाइन लेकर के, ताकि किसी को कोई समस्या आती तो वो अपना इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकेगा। तो अभी तक तो स्टाफ सारा जो आरटीओ ऑफिस सो कॉल्ड आज हैं इनका पूरे प्रदेश में 627 का स्टाफ है, जो कि बहुत कम है, एक जिले में 30 भी नहीं बैठते, तो इस स्टाफ को बढ़ाया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट और अगले एक साल के अंदर ये सब भर्तियाँ की जाएंगी। जब तक भर्तियाँ पूरी नहीं होती तो आवश्यकता अनुसार डेपुटेशन पर जितने लोग आवश्यक होंगे वो दिए जाएंगे, जैसे ही भर्तियाँ हो जाएंगी तो डेपुटेशन के लोग वापस अपने अपने डिपार्टमेंट में ये चले जाएंगे। एक ये शुद्धि का काम शुरू करने के लिए आज नवरात्रि का पहला दिन ये छांटा गया है और हर अगले काम के लिए बाकायदा डेट्स तय कर ली गई हैं, आज से ही वो सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी।